जय हिंद दोस्तों। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लेटर समझाऊंगा और दोस्तों ये लेटर निकल के आया है DESW डिपार्टमेंट से, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग से, और जो उसकी डेट है वो है 16 अगस्त 2022। दोस्तों ये लेटर किसे लिखा गया है? ये लेटर लिखा गया है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, थल सेनाध्यक्ष को, नौसेनाध्यक्ष वायु और सेना प्रमुख को। और दोस्तों इसका सब्जेक्ट है कि COVID-19 के कारण अगर किसी ESM की मृत्यु हो जाती है या फिर वो डिसेबल हो जाता है तो दोस्तों मृत्यु के कारण उसके परिवार को दी जाने वाली स्पेशल फैमिली पेंशन, और अगर COVID-19 के कारण वो डिसेबल हो जाता है तो फिर जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके संदर्भ में इस लेटर में लिखा गया है। चलिए दोस्तों इस लेटर को मैं आपको पूरा समझाता हूँ। अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि COVID-19 के कारण ESM की विकलांगता या फिर मृत्यु के मामलों में विकलांगता पेंशन, विशेष परिवार पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन प्रदान करने के संबंध में स्पष्टीकरण के अभाव में तीनों सेवाओं से संदर्भ प्राप्त हुए। दोस्तों जो ये तीनों प्रमुख हैं आर्मी के, नेवी के, एयरफोर्स के, दोस्तों इन्होंने इस पे पहले चर्चा भी करी है, उसी के रेफरेंस को लेकर यहां पे DESW डिपार्टमेंट ने ये चिट्ठी लिखी है इन्हें। और दोस्तों आगे चलते हैं। तीनों सेवाओं ने सूचित किया है कि ऐसे मामलों के प्रोसेसिंग के दौरान संबंधित सेवाओं के प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार यानी PIFA ने इस मंत्रालय से COVID-19 के कारण मृत्यु के मामले में स्पेशल फैमिली पेंशन प्रदान करने पर स्पष्टीकरण चाहे। तो दोस्तों एक ये PIFA है जिसे हिंदी में बोलते हैं हम प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार, यानी इनकी सहायता से भी ये डिसीजन लिया गया है कि अगर COVID-19 के दौरान किसी ESM की मृत्यु हो जाती है तो उस मामले में परिवार को स्पेशल फैमिली पेंशन दी जाए। तो दोस्तों ऐसी COVID-19 के दौरान अगर वो डिसेबल हो जाता है किसी कारणवश तो दोस्तों उस केस में भी डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रावधान यहाँ पे रखा है। आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्होंने जो भी ये सलाह करी है ये तीनों सेनाओं के प्रमुख से सलाह लेकर और प्रधान एकीकृत वित्तीय सलाहकार यानी PIFA के अकॉर्डिंग इन्होंने ये निर्णय लिया है। आगे चलते हैं। इस मंत्रालय में अपने हितधारकों के परामर्श से मामले की जांच की गई है। दोस्तों इस मामले में मंत्रालय ने भी इस पर विचार विमर्श किया है। सक्षम प्राधिकारी ने इस संबंध में निम्नलिखित को स्पष्ट करने का निर्णय लिया है। दोस्तों जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने कुछ नीचे जो पॉइंट लिखे हैं उसको स्पष्ट करने के लिए कहा है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं वो नीचे पॉइंट। किसी भी कारण से संक्रमण के सभी मामले मौजूदा नियमों और विनियमों के अनुसार जिम्मेदार नहीं होते हैं, यानी जो अभी नियम बना रखे हैं जरूरी नहीं है कि वो किसी संक्रमण के अनुसार ही उस नियम को चेंज करा जाए, क्योंकि हर मामला अलग होता है। संक्रमण भी अलग अलग टाइप के होते हैं, अलग अलग टाइप के उसके कॉशंस होते हैं और नियम और कानून मजबूत होते हैं। इसी तरह COVID-19 के कारण विकलांगता या फिर मृत्यु के सभी मामले जिम्मेदार होने के लिए योग्य नहीं होते। दोस्तों इनका कहना है कि जरूरी नहीं है कि COVID-19 की वजह से ही ESM की मृत्यु हो जाए या फिर वो विकलांग हो जाए, हो सकता है कोई दूसरा कारण भी हो। जैसा कि रिलीज मेडिकल बोर्ड या फिर सक्षम चिकित्सा या फिर सक्षम चिकित्सा अधिकारियों द्वारा समझाया गया है। दोस्तों फिर जो बाद में जो देखा जाएगा वो देखा जाएगा मेडिकल बोर्ड की टीम द्वारा, या फिर जो सक्षम मेडिकल ऑफिसर होगा वो देखेगा कि किस टाइप के उन्हें कोविड के लक्षण थे, किस वजह से उनकी मृत्यु हुई है, किस प्रकार से वो डिसेबल हो गए, क्या COVID-19 के वजह से ही उनकी मृत्यु हुई है या फिर वो डिसेबल हुए हैं। तो दोस्तों सब प्रकार की जांच पड़ताल होगी, अगर उन्हें उचित पाया जाता है तो उस केस में मृत्यु के बाद स्पेशल फैमिली पेंशन प्रोवाइड करेंगे, या अगर COVID-19 की वजह से ही ESM डिसेबल हो गया तो इस केस में फिर डिसेबिलिटी पेंशन प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों ये सब जांच पड़ताल मेडिकल बोर्ड के द्वारा होती है। आगे चलते हैं। दोस्तों संक्रमण के संकुचन के बाद से सरकारी सेवा और बीमारी, COVID-19 के बीच इस तरह के
प्रत्यक्ष कारण संबंध को सामने लाना मुश्किल होगा। दोस्तों संक्रमण भी जैसा मैंने आपको बताया कई प्रकार के होते हैं, और चाहे वो COVID-19 का हो चाहे कोई दूसरा संक्रमण हो। तो दोस्तों इस तरीके का जो प्रत्यक्ष कारण है तो दोस्तों ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा यहाँ पे डिले होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, विकलांगता पेंशन या फिर एलिमेंट या फिर स्पेशल फैमिली पेंशन प्रदान करने के लिए विकलांगता या मृत्यु और सैन्य सेवा के बीच एक कारण संबंध उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा स्थापित किया जाना है। दोस्तों इसमें जो संबंध उपयुक्त प्राधिकारी है या जो अधिकारी है वो ही देखेगा कि क्या सैन्य सेवा काल के दौरान ये डिसेबल हुआ है, या किस कारण से इनकी मृत्यु हुई है, किस कारण से उनको डिसेबिलिटी पेंशन या उनके परिवार को स्पेशल फैमिली पेंशन दी जानी है। दोस्तों आगे चलते हैं, इस प्रकार किसी विशेष संक्रमण बीमारी के कारण विकलांगता या मृत्यु के मामले में SFP स्पेशल फैमिली पेंशन प्रदान करने की नीति पहले से मौजूद है। जैसा आपको पता है कि जो स्पेशल फैमिली पेंशन है वो कोई अभी का रूल नहीं है, पहले से ही स्पेशल फैमिली पेंशन मिलती आ रही है मृत्यु के मामले में। लेकिन संबंधित सक्षम प्राधिकारी को संक्रमण बीमारी और सैन्य सेवा के बीच कारणात्मक संबंध स्थापित करना होता है। यह COVID-19 संक्रमणों के मामले में समान रूप से लागू होता है। दोस्तों इनका कहना है कि जो संबंधित सक्षम प्राधिकारी है वो ये देखेगा कि किस प्रकार का संक्रमण है और किस प्रकार की बीमारी है, और सैन्य सेवा के बीच यानी जब वो जॉब कर रहा था तो तब के बीच उसकी क्या स्थिति है, यानी संक्रमण बीमारी और जो सैन्य सेवा है इन बीच के टाइम को वो निर्धारित करेगा, देखेगा कि कौन सा परिणाम निकल के आता है। इसे इस मंत्रालय के वित्त प्रभाग की सहमति से उनके ID नोट संख्या इतना 16/6/2022 द्वारा जारी किया जाता है। तो दोस्तों जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उन्होंने इन पॉइंट्स को स्पष्ट करने का निर्णय दिया है। और दोस्तों जो उन्होंने ये लेटर लिखा है इनका नाम है अजय कुमार अग्रवाल जो उप सचिव है, और दोस्तों इनको सबको कॉपी दे रखी है यहाँ पे। दोस्तों आई होप कि आप ये लेटर समझ गए होंगे। दोस्तों इस लेटर का अगर मैं मेन मकसद निकालूं तो दोस्तों वो है COVID-19 की सिचुएशन। अगर COVID-19 के कारण किसी ESM की मृत्यु हो गई है तो दोस्तों इस केस में स्पेशल फैमिली पेंशन प्रोवाइड कराना फैमिली को, या अगर कोई ESM COVID-19 की वजह से डिसेबल हो गया है तो फिर डिसेबिलिटी पेंशन देना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच।